गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारे ज्योग्राफी का तीसरा क्रैश कोर्स वीडियो है, CC3 बच्चों, क्रैश कोर्स 3। तो आप जो है इससे याद रखेंगे ये तीसरा है, और ये हमारा क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, यानी कि ये तीसरा और लास्ट वीडियो है क्रैश कोर्स का। और इसमें हम जो समझने जा रहे हैं वो समझने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल जिसमें हम देखेंगे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल और एरिड सॉइल। बच्चों आप अगर बुक को खुद से पढ़ेंगे तो उसमें एक बात आएगी माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल भी जो है इन्हीं में से आप ले सकते हैं। आप जो है लैटेराइट वगैरह को जोड़ ले तो हो जाता है, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से माउंटेन सॉइल का भी बना के दे दूंगा, लेकिन वो कोई बहुत उस तरह का है नहीं। अब आते हैं अगर हम समझते हैं सॉइल, बच्चे सॉइल Soil, it is the thin upper surface layer of earth. कि अर्थ का जो सबसे ऊपरी सिरा है, आपने पढ़ा होगा कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, अलग अलग चार परत तरह की परत पढ़े हैं आपने, तो जो सबसे अपर लेयर होता है उसका पतला सा जो लेयर है उसी को हम सॉइल कहते हैं। अब ये सॉइल जो है बनता है कई सारे सालों में, पहाड़ उसके टूटने से, वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, नदियाँ अपने सारे स्टोन्स को कैरी करती हैं जिसमें उनको तोड़ती पटकती तोड़ती ले जाती हैं, उससे बनता है। और न जाने और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सॉइल के फॉर्मेशन में वर्क करते हैं, लेकिन बच्चे इन सबको एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, लगभग 100, 150, 200 लाखों सालों का टाइम लगता है, तब जाके एक स्टोन सॉइल में चेंज होता है। अब हम समझते हैं सॉइल का इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। तो बच्चों सबसे पहले कि सॉइल इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हमारे इंडिया में सॉइल की फर्टिलिटी अलग अलग है, जितने तरह के एरियाज हैं उस तरह की फर्टिलिटी है। अगर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल वो भी फर्टाइल है, लेकिन वो किसी खास चीज़ को सपोर्ट करता है। तो इम्पोर्टेंस जो है सॉइल का तब बढ़ जाता है जब उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, तो जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी अच्छी उतना ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन बच्चों उसके बाद भी सॉइल के बड़े सारे काम है, जैसे सॉइल इज यूज्ड टू ग्रो ट्री, कि अगर पेड़ लगाना है तो सॉइल चाहिए। सेकंड, सॉइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप, कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें सॉइल चाहिए। नेक्स्ट, सॉइल इज यूजफुल टू मेक ब्रिक्स, क्योंकि हम घर भी बनते हैं तो ईंट के बनते हैं। अब पहले भी बात कर रहे थे तो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो अपना घर बनाया था, अच्छी मकान बनते थे, लेकिन वो भी मिट्टी से ही बनते थे। तो सॉइल जो है फॉर्मेशन ऑफ हाउस में बहुत पहले से यूज हो रहा है, तो हमको समझना होगा कि ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल में, सॉइल जो है सॉइल का जो है यूज, ये भी एक यूज है जिसके चलते सॉइल इम्पोर्टेंट है। अब टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, टू प्रोड्यूस फ्रूट, पता नहीं कितने चीज़ों को प्रोड्यूस करता है सॉइल, तो सॉइल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल की अगर बात करते हैं टाइप्स में, तो ये हमारे सेगमेंट्स हैं एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल। तो इन सारे सॉइल को अगर हम समझें तो देखते हैं कि फॉर्मेशन किससे हुआ है। तो एलुवियल सॉइल की बात करें तो बाय सिल्ट, जो रिवर अपने साथ सिल्ट को ढोती है, अपने साथ कैरी करती है, उन सिल्टों से अगर कुछ बनता है तो यह है एलुवियल सॉइल। बाद में आप जो है एलुवियल सॉइल के अंदर में खादर और बांगर पढ़ेंगे, तो खादर क्या है बच्चों, बांगर क्या है, तो खादर और बांगर भी एलुवियल सॉइल के टाइप है। खादर जो है न्यू वन होता है, और जो हमारा जो बांगर है वो ओल्ड वन होता है, कि जो नया हर साल नदियाँ जो है अपने साथ चीज़ों को, मिट्टी को कैरी करती है, तो हर बार कहीं पर जो है उसको स्प्रे करती है, तो जिस नए साल में जो वहाँ पर नया स्प्रेइंग होता है उसको खादर कहते हैं। और अगर नदियों ने कई साल पहले वहाँ पर मिट्टी को स्प्रे किया, उसके बाद दोबारा नहीं किया है, तो उसको हम बांगर कहते हैं। अब आते हैं बात में कि ये जो है इंडिया के लगभग 40% एरिया में पाया जाता है। अब तो आप जानते ही हैं कि हरियाणा से लेकर वेस्ट बंगाल तक हर जगह एलुवियल सॉइल है, पंजाब में भी। तो इस तरह से जो है इंडिया के 40% एरिया में लगभग जो है सॉइल, जो सबसे यूज सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज 40% एलुवियल का है। और ये मैंने एग्जाम्पल दिया है यूपी बिहार, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने बुक में कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप यूपी बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इन सब की बात कर सकते हैं। अब जो है इस एलुवियल सॉइल में जो है कंप्लीट करने के बाद दूसरा आता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स का, कि जो वॉल्केनिक रॉक होते हैं, आपको पता है कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, हमारा जो ये मुंबई और
कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु नहीं, केरला वाला जो कोस्टल रीजन है ये जो है अलग हुआ है साउथ अफ्रीका से। तो जब साउथ अफ्रीका से अलग हो रहे हैं, जरा मेरे हाथ को देखिए, ये आप जब अलग हो रहे हैं तो जब अलग होंगे ये दरार पड़ेगी, ये जो गैप आता है इस गैप के अंदर से लावा बाहर निकलता है और यही लावा जो है बाद में जमा हो जाता है, ठंडा होता है, एक रॉक बनाता है और उसी रॉक के बनने के बाद से उससे जो है उसका वेदरिंग होता है, धीरे धीरे वो डिके होने लगता है और डिके होने से बनता है हमारा ब्लैक सॉयल। तो इसकी खासियत क्या है भाई कि होल्डिंग मॉइस्चर, इसकी खासियत है कि इसके अंदर अगर आपने पानी डाल दिया तो बहुत दिनों तक उसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, इसको लूज लॉक्स नहीं होने देता है। और लास्ट ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स में जा रहा है। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि मैंने गुजरात लिख दिया तो सिर्फ गुजरात में है, होने के लिए और भी जगहों पे है, लेकिन चूंकि परसेंटेज अगर कम है तो हम उनकी ज्यादा बात नहीं करते। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है रेड रॉक, रेड सॉइल। रेड सॉइल की बात करें तो ये भी रॉक डिकम्पोजिशन से ही बना है, रॉक डिकम्पोजिशन या मेटामॉर्फिक रॉक के डिकम्पोजिशन से बना है। और इसकी खासियत क्या है कि यह जो है रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू एलुवियल, कंपेयर टू ब्लैक सॉइल इसकी फर्टिलिटी बेकार है, बेकार तो नहीं कहेंगे लेकिन कम है। इसके चलते क्या है इसको जो है फर्टिलाइजर्स चाहिए, अगर आप इसमें फर्स्ट फर्टिलाइजर डालते हैं तो इस पे एग्रीकल्चर हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे साउथ के बहुत सारे स्टेटों में ये पाया जाता है। मेरे पास जगह कम है, बोर्ड छोटा है, और छोटा नहीं कहेंगे क्योंकि मैं एक ही बार लिख पा रहा हूँ फिर वीडियो बना रहा हूँ, तो दो ही एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन आपका काम क्या है कि आप इसे और भी ले सकते हैं, साउथ का जितना भी स्टेट है लगभग स्टेट में ये मिट्टी पाई जाती है। अब जो है लेटराइट की बात करते हैं, लेटराइट सॉइल तो कहता है इंटेंस लिंचिंग, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा बरसात होने के चलते और बरसात के बाद उसमें जो एसिडिक रेन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा गंदगी है हवा में वो मिल जाती है और मिलने के बाद जो है रेन को एसिड रेन में चेंज करती है, तो उसके अंदर उसके चलते इसका फॉर्मेशन होता है और ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। और ये ज़्यादातर कर्नाटका, बच्चे कर्नाटका नहीं, आप अगर कोस्टल एरिया देखेंगे ना, तो मैं जरा मिटा रहा हूँ, आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो आप पीछे के वीडियो से ये सब चीजों को देख लेंगे, ठीक है। ये तो आप अगर इंडिया के, मैं आधा ही इंडिया बना रहा हूँ, आधा इंडिया नहीं बना रहा, ये वाला रीजन, ये यहाँ पे जो है ये लेटराइट सॉइल ज्यादा मिलता है, ये कर्नाटक भी है, केरला भी है, थोड़ा महाराष्ट्र भी है, हालांकि मैंने एग्जांपल में कर्नाटका लिखा है लेकिन हम सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं करेंगे। कोस्टल एरिया देख रहे हैं आप, तो ये कोस्टल रीजन में जो हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है उस एरिया में मिलता है। अब लास्ट में बात करते हैं एरिड सॉइल का, एरिड सॉइल ये जो है रॉक के डिकम्पोजिशन से बनता है, ये हमारे एक ही जगह राजस्थान में पाया जाता है और इसमें लूज या नॉट होल्ड वाटर, इसमें जो कैपेसिटी है कि वाटर को ये होल्ड नहीं करता, आप कितना भी पानी दे दो वो चला भी जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्लांट इसमें ग्रो नहीं करते, कैक्टस ग्रो करता है, आपको पता ही है कि राजस्थान में कैक्टस ही है। और अगर वेस्ट राजस्थान की बात करें तो अरावली की उस तरफ, अरावली रेंजेस आप जानते हैं, अरावली के वेस्ट में सिर्फ यही मिलता है, और बच्चे इतना मिलता है कि राजस्थान को जो है रेगिस्तान कहते हैं, राजस्थान में जो है इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा जो है थार डेजर्ट मिलता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग रॉक्स को जाना, उनको कैसे बने हैं ये जाना, और वो किस किस स्टेट में मिलते हैं ये जाना। अब बच्चों चूंकि रॉक अलग अलग सॉइल है इसलिए इन लोगों का जो फर्टिलिटी है वो भी अलग अलग है। अब अलग अलग में हम जान चुके हैं कि सबसे बढ़िया कौन है, एल्यूवियल सॉइल, और धीरे धीरे कम होते हुए एरिड सॉइल पे लास्ट। और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉइल से बोर्ड में हमेशा एक सवाल रहता है, ये मैप वर्क में भी आता है कि मैप लेवल कीजिए भाई, उसमें बताइए कि कहाँ कौन सा सॉइल मिलता है, तो इसलिए इसको तो आपको करना ही होगा। इस तरह से हमारा तीसरा क्रैश कोर्स का वीडियो खत्म होता है, चैप्टर वन का ज्योग्राफी क्लास स्टेट का तीनों पार्ट आपको मिल जाएगा, और ये जो है आपको इसके बाद खुद से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। थैंक यू बच्चों।